हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल तो किए ही होंगे। व्हाट्सएप वर्ल्ड में नंबर वन सोशल ऐप और व्हाट्सएप का यूज लगभग हर कंट्री में हो रहा है, बस कुछ देशों को छोड़ के। भारत सरकार ने एक ईमेल आईडी लॉन्च किया है। अगर आपके व्हाट्सएप पर कोई आपत्तिजनक मैसेज आता है, गाली गलौज करता है, तो उसको आप भारत सरकार के पास केस फाइल कर सकते हैं और बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखते रहिए, मैं आगे ट्यूटोरियल में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे केस फाइल करते हैं। दोस्तों, आज से पहले लोग क्या करते थे कि व्हाट्सएप चला रहे हैं और कोई आपत्तिजनक मैसेज आया, उस पर आदमी रिप्लाई दे देता था तो गाली गलौज स्टार्ट हो जाती थी या कोई कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, आप केस फाइल कर सकते हैं। वो केस फाइल कैसे करना है मैं चलिए दिखाता हूँ। चलिए थोड़ी सी इंट्रो के बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप अपने इस टेक्निकल वाइज में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज इस रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको दबा देना है। प्लस आपको बगल में एक घंटे का बटन दिखाई देगा, इसको भी प्रेस करने देना है। अगर घंटे का ऊपर डबल एक एरर आ गया तो समझिए आपका सब्सक्राइब और घंटे का बटन दब चुका है। और इस वीडियो को फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। तो चलिए नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलते हैं। सबसे फर्स्ट आपको अपना ईमेल बॉक्स खोल लेना है। ईमेल में आपको सेंड यहाँ पर दिखाई देता है, सेंड पर क्लिक जैसे कीजिएगा आपको यहाँ पर एक न्यू मैसेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इस यूआरएल को टाइप करना है। इसे टाइप करने के बाद इसी को आपको ईमेल भेजना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ चाहे तो इस ईमेल आईडी का आईडी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है, किस बारे में आप आपत्तिजनक संदेश को प्राप्त किए हैं, यहाँ पर वो सब लिखना है। और यहाँ पर सिंपली से एक मोबाइल नंबर जो है, जो आपको गाली दिया है या जिसके थ्रू आपत्तिजनक मैसेज प्राप्त हुआ है, वहाँ पर मोबाइल नंबर लिख के और आपको जिस मैसेज आया है, जो गाली गलौज मैसेज है, उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेके अटैच कर देना है। देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट इमेज इंसर्ट कर दीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ जाएगा और मोबाइल नंबर, और आपको सिंपली सेंड कर देना है। बस आपका काम हो गया। ये फीचर भारत सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है। अगर आपके पास भी किसी तरह का आपत्तिजनक संदेश आती है या कोई गाली गलौज करता है तो उसको आप इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। अब ईमेल आईडी पर सेंड करने पर होगा क्या? अगर आप इस ईमेल आईडी पर सेंड करते हैं तो इससे होगा क्या? सबसे पहले इस ईमेल आईडी जो है ये डायरेक्टली चला जाएगा शिकायत टू संचार विभाग यानी DTO के पास, और DTO इसको केस दर्ज करा के विभाग के आगे की कार्रवाई के लिए दूर संचार सेवाओं को प्रदान और पुलिस के पास भेज देगी। अब जिसने गाली क्लोज किया है, पुलिस तो उसका ले डूबेगी। तो दोस्तों, कभी कभी ये भी होता है कि हम किसी से बात करें कुछ आपत्तिजनक चीज हो तो हम भी अपने भड़ास निकाल लीजिए। तो आज के बाद ऐसा नहीं कीजिएगा, आप जो हो सके आप अपना भड़ास निकालें किसी के ऊपर और वो स्क्रीन शॉट लेके मोबाइल नंबर तो रहता ही है और DTO का पास भेज दिया तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी जो भारत सरकार की तरफ से अपडेट आई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कुछ छूट जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को बताना चाहते हो शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह का टेक्निकल न्यूज अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।